पश्चिम दिल्ली के रघुबीर नगर में एक हिंदू परिवार ने रोज़ा इफ्तारी की पार्टी दी। हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन अगर 4 महीने पहले का वाक्या आप सुनेंगे तो आपको अजीब शायद ना लगे। आपको बताते हैं कि 4 महीने पहले इस परिवार ने अपने बेटे को खोया है। बेटे का नाम अंकित सक्सेना। वो अंकित सक्सेना जो एक मुस्लिम लड़की से प्यार कर बैठा, इस प्यार के बदले उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ये वही लड़का है जिसका अपने ही घर के सामने कुछ लोगों ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। आज 4 महीने बाद अंकित सक्सेना के परिवार ने रमज़ान के महीने में रोज़ा इफ्तारी पार्टी दी है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जो उनके बेटे के साथ हुआ वो किसी और बेटे के साथ ना हो। मुश्किल है ये समझना कि इंसान को गुस्सा किस हद तक आ सकता है। क्या इतना गुस्सा करना ज़रूरी था? क्या इतना गुस्सा जायज़ था कि उन्हें अपना बेटा खोना पड़ा? अंकित के घर में दी जाने वाली ये रोज़ा इफ्तारी पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को बढ़ाने के लिए है। क्या अंकित सक्सेना के परिवार वालों को यह हक नहीं था कि वो दूसरी कौम से नफरत कर सकते, लेकिन उन्होंने प्यार का रास्ता चुना, क्योंकि अंकित भी प्यार करते हुए ही अपनी जान गंवा बैठा था। सवाल बस इतना सा ही है, क्या कोई भी धर्म किसी की जान से ज़्यादा है?